नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है। मैं देहरादून उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। मैं 31 वर्ष की हूँ और मेरा एक 3 साल का बेटा है। मेरे हस्बैंड प्राइवेट बैंक में जॉब करते हैं। सपने हर कोई देखता है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें जो द बिग पिक्चर ने ये प्लेटफॉर्म दिया है, उसके लिए मैं द बिग पिक्चर, कलर्स टीवी, वायकॉम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा भी सपना है, जो कि बहुत टाइम से मैंने देखा है और उसे पूरा करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं अभी तक उस सपने को पूरा नहीं कर पा रही हूँ। हो सकता है शायद द बिग पिक्चर के थ्रू मेरी हेल्प हो जाए, मैं अपना सपना पूरा कर पाऊँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एक किचन का बिज़नेस शुरू करूँ, एक क्लाउड किचन स्टार्ट करूँ, जिस किचन में मैं अपने साथ उन महिलाओं को रोज़गार दूँ, उन महिलाओं को जोड़ूँ जिनके पास बहुत हाई क्वालिफिकेशन नहीं है, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनके पास टैलेंट है, उनके पास एक्सपीरियंस है बरसों का अपने घर के किचन का, उनके पास स्वाद है और वो चाहती हैं कि वो भी इंडिपेंडेंट बने, उनको भी काम करने का अवसर मिले, लेकिन उन्हें लैक ऑफ एक्सपीरियंस और लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। तो मैं उन महिलाओं को अपने साथ जोड़कर अपने इस किचन के काम को आगे तक लेके जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर घर तक हमारा खाना पहुँचे, हर घर तक हमारे किचन का स्वाद पहुँचे, और जो भी इस खाने को चखे उसे अपने माँ की खाने की याद आए। तो ये मेरा एक सपना है। और एक बात और, जिस दिन मुझे पता चला कि इस शो को होस्ट कर रहे हैं रणवीर सिंह, उस दिन तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया, बिकॉज़ मैं उनकी बहुत 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 बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने उनको उनकी फ़र्स्ट मूवी से देखा है, जब वो न्यू कमर थे और इंडस्ट्री में आए थे, उसी दिन से मेरे को उनकी एक्टिंग, उनकी डांसिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और सबसे अच्छी बात उनके अंदर ये है कि वो बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। उनको जिस भी रोल में ढालो, वो उस रोल को बहुत बखूबी निभाते हैं, और उनकी यही टैलेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर मुझे उनके साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी, और मैं उनके साथ उन्हीं के गाने में एक डांस ज़रूर करना चाहूँगी। तो देखते हैं कि ये ख्वाहिश मेरी पूरी होती है या नहीं होती है। और एक औरत की ज़िंदगी का सबसे बड़ा बदलाव होता है जब वो माँ बनती है। तो मेरी भी लाइफ उस दिन चेंज हो गई थी, जिस दिन मेरे बेटा हुआ, क्योंकि मैं अपनी सारी खुशियाँ, अपने सारे सपने सिर्फ उसको देखने में मैं सब कुछ भूल गई। और आज वो 3 साल का हो गया है, और मुझे लगता है कि अब सही टाइम है और कि मैं अपने सपने को भी साथ साथ पूरा करूं, क्योंकि अगर पिता बच्चे की नज़र में हीरो होता है, तो मैं चाहती हूं कि माँ भी उसकी नज़रों में हीरोइन हो, उसकी ज़िंदगी की हीरोइन हो। और मैं चाहती हूं कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाऊं, उसको औरत की इज्जत करना सिखाऊं, उसको ये सिखाऊं कि औरत सिर्फ घर ही नहीं, घर के साथ साथ बहुत कुछ चला सकती है, अपने पैरों पर खड़ा हो सकती है। तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हर बार पापा की हेल्प बच्चा लेता है, क्योंकि उसे पता है कि पापा मुझे अगर खिलौना भी चाहिए, माँ से ज़िद करेगा, लेकिन ला के पापा ही देंगे। तो मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे अपनी माँ से ज़िद करें, क्योंकि उन्हें इसीलिए ज़िद करें क्योंकि ला के भी माँ ही देगी। तो हर एक माँ को मैं यही कहूँगी कि आप अपने सपने को पीछे मत छोड़िए, आपका बच्चा आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए, लेकिन अपने सपने को अपने साथ रखिए। सही वक्त आने पे, सही चीज़ें होने पे अपने सपने को पूरा करने के लिए ज़रूर आगे आइए। आप ये मत सोचिए कि आपको कोई सपोर्ट करेगा, आप अपने आप को सपोर्ट कीजिए। आप अपने आप को सपोर्ट करेंगे तो आपको हर कोई सपोर्ट करेगा, लेकिन पहल आपको खुद ही करनी पड़ेगी। अभी तक मैंने अपनी फैमिली में किसी को ये सब बताया नहीं है, और मैं वेट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं सब कुछ अपने आप करूँ, और उसके बाद जब फाइनल कुछ बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिले, मैं तब अपनी फैमिली के साथ शेयर करूँ। सो थैंक यू सो मच।